Students, welcome to this lecture of class plus one from the unit redox reaction. Redox reaction जो 10th class की first chapter है, उसके अंदर भी पढ़ी जा चुकी है. और यहाँ पर हम detail के अंदर इस unit के बारे में discuss करेंगे कि जो redox reactions होती हैं, ये क्या होती हैं. तो सबसे पहले हम redox reaction की definition ले रहे हैं यहाँ पर कि redox reaction होती क्या है. रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली से होता है. मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही जिन रिएक्शंस के अंदर साथ साथ में होते हैं उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. तो बात आती है यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते क्या हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन को ले लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है. ऑक्सीडेशन को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पर, और इसको हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बेस पर. तो इसे याद रखने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला ले लेते हैं, और ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास A ऑन और R H P. इस वर्ड के द्वारा हम ऑक्सीडेशन को कम्प्लीटली से याद कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पर A से देखें तो A से क्या बनता है, एडिशन बनता है. अगर O से देखें तो O से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है. और N से क्या बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बनता है. तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है. दूसरा हम यहाँ पर देखिए आर एच पी से, तो आर से क्या बनता है, रिमूवल बनता है. एच से यहाँ पर हाइड्रोजन बनता है, और पी से यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव. तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर रिमूवल होता है हाइड्रोजन का या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है, उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. अब हम इस कंप्लीट डेफिनेशन को एग्जांपल की हेल्प से समझने जा रहे हैं. और सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. हमने क्या किया, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, और इस रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई. और अगर हम यहाँ पर देखें तो मैग्नीशियम के साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी इसके अंदर, लेकिन अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर हम देखें तो इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का. दूसरा हम यहाँ पर ले रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिलेटेड. मैग्नीशियम की हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई, तो क्लोरीन जो हैलोजन्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं. तो मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा. और इस रिएक्शन के अंदर एडिशन हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का. अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के बेस पर हम ऑक्सीडेशन को देख रहे हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन कराते हैं, और ये रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ. तब यहाँ पर जो H2S है वो सल्फर के अंदर चेंज हो जाएगी, और जो H2 है वो O2 के साथ रिएक्शन करेगी और H2O की फॉर्मेशन कर देगी. अगर हम H2S को देखें तो इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम यहाँ पर S को देखें तो इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रिमूवल हुआ है इसके अंदर हाइड्रोजन का, और ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. अब हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के बेस पर ऑक्सीडेशन को देख रहे हैं.
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड की हम ट्रीटमेंट करेंगे वाटर के साथ, और ये रिएक्शन ओजोन की प्रेजेंस में होगी, और इस रिएक्शन के अंदर पोटेशियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर KOH की फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ से जो आई है ये आई टू के अंदर चेंज हो जाएगी यहाँ पर, और अगर यहाँ पर देखिए पोटेशियम दो है तो यहाँ पर दो गए, इसमें से एक ऑक्सीजन इसके साथ चला गया और यहाँ पर दो और दो हाइड्रोजन आ गए, और जो ओजोन है ये किसके अंदर चेंज हो गई, ऑक्सीजन के अंदर चेंज हो गई। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पोटेशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और पोटेशियम आयोडाइड किसमें चेंज हो गया, आयोडीन के अंदर चेंज हो गया, तो पोटेशियम का यहाँ पर रिमूवल हुआ है, और इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब हम जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसके अंदर जो सेकेंड टाइप है रिएक्शन की उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेकेंड टाइप क्या है, रिडक्शन है। रिडक्शन की डेफिनेशन देखेंगे हम यहाँ पर कि रिडक्शन क्या होता है इसके अंदर। तो सेम जिस तरह से हमने ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया था, सेम उसी तरह से हम रिडक्शन को भी यहाँ पर डिफाइन करेंगे। रिडक्शन क्या होता है, तो हमने क्या लिखा था इस तरह से ऑन और एच पी लिखा था, ऑन के साथ ए था तो ए लिखेंगे हम यहाँ पर एच पी के साथ, और एच पी के साथ क्या था आर था, यहाँ पर आर लिखेंगे हम ऑन के साथ। चेंजिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर, तो आर से क्या बनता है, रिमूवल बनता है, और ओ से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और एम से क्या बनता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव बनता है, ए से यहाँ पर एडिशन बनेगा, एच से हाइड्रोजन, और पी से इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रिडक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, या रिमूवल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, या हम कह सकते हैं कि जिनके अंदर एडिशन होता है हाइड्रोजन का, या जिनके अंदर एडिशन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, और सबसे पहले हम ले लेते हैं ब्रोमीन की हम रिएक्शन करवा रहे हैं H2S के साथ। तब यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रोमीन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़कर इस तरह से HBr की फॉर्मेशन कर देती है, और इस तरह से सल्फर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस रिएक्शन में एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का। दूसरा हम ले लेते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड है HgCl2, और इसकी हम रिएक्शन कराते हैं SnCl2 के साथ। तब यहाँ पर Hg2Cl2 की फॉर्मेशन जाती है और SnCl4 की फॉर्मेशन जाती है। अगर हम इस रिएक्शन के अंदर देखें तो यहाँ पर एक मरकरी के साथ दो क्लोरीन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हुआ, दो क्लोरीन के साथ दो मरकरी हो गए, मतलब एक से दो मरकरी हो गए यहाँ पर। मरकरी क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, एडिशन हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, और इसलिए ये क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेस पर, और हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड है, और इसकी हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब यहाँ पर इस तरह से Cu+H2O की फॉर्मेशन हो जाती है। CuO चेंज हो गया Cu के अंदर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन थी और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, और इसके अंदर क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का, और इसलिए ये क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन है। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेस पर हम देख लेते हैं, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, FeCl3 की
रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, और ये रिएक्शन SO2 की प्रेजेंस में होगी यहाँ पर, और FeCl3 चेंज हो जाएगा FeCl2 के अंदर। जो HO2 और SO2 है ये दोनों मिलकर यहाँ पर H2SO4 की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर इस तरह से HCl की फॉर्मेशन कर देगा। इस रिएक्शन की बैलेंसिंग हम कर देते हैं यहाँ पर, और इसकी बैलेंसिंग इस तरह से हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर देखो FeCl3 है तो 3 क्लोरीन है यहाँ पर, और 3 से यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गए इसके अंदर, तो 1 क्लोरीन कम हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। ये हमारा था रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। थैंक यू।